मैं श्रेयांगी बड़े त्रिपाठी कक्षा 9वीं से आज आप सभी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित यह कदम का पेड़ कविता सुनाने जा रही हूँ। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना धीरे, मैं भी उस पर बैठ कर धनिया बनता धीरे धीरे। ला देती यदि मुझे बांसुरी तुम लो मैं सोवाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊपर तक चढ़ जाता। वही बैठ कर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी की स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने का छोड़ तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी मैं चुप हो जाता, तब तो मैं छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुंडा राजा, नीचे अत्रो मेरे भैया तुझे मिठाई दूंगी। मैं खिलौने मात्र मिस्त्री दूध बनाई होगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह कर तो मैं यही कहीं छिप जाता। माँ बुलाने पर भी जब मैं नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय बहुत बिकल हो जाता। तो माचल फैला कर वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुमको लगा ध्यान में देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम दोनों।